भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया जो डे नाइट था। एडिलेड टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी पारी में महज 36 रनों पर ही सिमट गई। इसके बाद टीम के बैटिंग लाइनअप को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर को खेला जाना है। एमसीजी में खेले जाने वाले इस बॉक्सिंग डे टेस्ट में उम्मीद है कि भारतीय टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं खबरों के मुताबिक बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में टीम इंडिया में कुछ बदलाव होंगे। भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली मंगलवार को अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश वापस लौट जाएंगे। विराट की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे कप्तानी संभालेंगे। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ओपनर पृथ्वी शॉ की जगह केएल राहुल ले सकते हैं। साथ ही युवा खिलाड़ी शुभमन गिल भी अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। वो नंबर 4 पर भारतीय कप्तान कोहली की जगह ले सकते हैं। वहीं हनुमा विहारी की जगह रविंद्र जडेजा ले सकते हैं। रिद्धिमान साहब भी अपना स्थान ऋषभ पंत के हाथों गंवा सकते हैं। साथ ही मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज या नवदीप सैनी में से कोई एक ले सकता है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फैंस भी अपने अपने प्लेइंग 11 बना रहे हैं। साथ ही हनुमा विहारी की जगह रविंद्र जडेजा को शामिल करने की रिपोर्ट पर भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अनुभवी रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट से पहले टीम से नहीं जुड़ सकेंगे। ऐसे में अभ्यास मैचों में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी मौका मिल सकता है। करियर के आखिरी पड़ाव पर चल रहे 36 साल के रिद्धिमान साह की जगह टीम प्रबंधन अगले 3 मैचों में ऋषभ पंत को आजमा सकता है। ऋषभ पंत का खेल ऑस्ट्रेलिया में अगर अच्छा रहा तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी मौका मिलना तय है। शाह का बल्ला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी खामोश रहा। इन देशों में उनका एक भी अर्धशतक नहीं आया। क्या आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।